अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है हुंडई की i20। कस्टमर को इसमें कंप्लेंट था कि एसी काम नहीं कर रही है। हमने चेक किया तो हमें कंप्रेसर में कंप्लेंट मिली और एसी गैस कम थी तो हमें कूलिंग का लीक मिली। लेकिन कूलिंग कॉइल खोलते वक्त आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंप्रेसर की पोजीशन कैसी है या सही है या ख़राब है? तो देखिए, ये कूलिंग कॉइल पे वाइट फॉग जमी हुई है। ये वाइट कलर के, ये वाइट फॉग ही बोलेंगे इसको, ये जमी हुई है। अगर ये आप कूलिंग कॉइल खोल रहे हैं किसी भी गाड़ी में और ये वाइट फॉग जमी है तो कंप्रेसर की पोजीशन एंड है। कभी भी कंप्रेसर 100% डेड हो सकता है। ठीक है, इस गाड़ी में कंप्रेसर काम कर रहा था लेकिन उस पोजीशन से काम नहीं कर रहा था जिसमें अपन को जितना अपन को चाहिए है। तो अपन को डाउट था कंप्रेसर का, तो अपन ने अप्रूवल तो ले लिया है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कूलिंग कॉइल खोलते वक्त अगर ये वाइट फॉग जमी है तो कंप्रेसर ख़राब है या कंप्रेसर वीक है या कंप्रेसर आगे कुछ टाइम बाद ख़राब हो सकता है। ये उसकी निशानी है। ठीक है।